फिल्म द केरला स्टोरी पर लगातार विवाद जारी है। फिल्म को लेकर हो रहे विवाद के चलते आज से तमिलनाडु के सिनेमाघरों में द केरला स्टोरी फिल्म नहीं दिखाने का फैसला लिया गया। यह फैसला मल्टीप्लेक्स संगठन ने लिया है। दरअसल थिएटर मालिक ने कानून व्यवस्था की स्थिति और फिल्म की खराब प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। दरअसल तमिलनाडु में नाम तमिलर कांची के नेताओं ने बीते शनिवार 6 मई को चेन्नई में द केरला स्टोरी की रिलीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फिल्म में प्रोड्यूसर, अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक के खिलाफ नेता सीमन के नेतृत्व में तमिलर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्काई वॉक मॉल के पास चेन्नई अन्ना नगर में विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार एनटी के कार्यकर्ताओं ने द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग के खिलाफ थिएटर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और बाद में उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ता पार्टी का झंडा हाथ में लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के नारे लगाने लगे। सीमन ने थिएटर मालिकों से फिल्म को ना दिखाने की अपील की, साथ ही उन्होंने लोगों से भी इस फिल्म को ना देखने का आग्रह किया। सीमन ने यह दावा करते हुए विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और मांग की गई थी कि तमिलनाडु सरकार को इसकी स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बता दें कि द केरला स्टोरी के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म पर विवाद खड़ा हो गया। ट्रेलर में दावा किया गया कि राज्य की 32,000 लड़कियां लापता हो गई और बाद में आतंकवाद समूह ISIS में शामिल हो गई, जिसके बाद कई राजनेताओं ने फिल्म की रिलीजिंग पर रोक लगाने की मांग की। विवाद के बाद केरल उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को द केरला स्टोरी की रिलीजिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। फिल्म में अभिनेत्री अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म को सुधीपत्तो सेन ने लिखा है और निर्देशक किया है। द केरला स्टोरी को लेकर काफ़ी विवाद देश में चलता रहेगा, लेकिन इस केरला स्टोरी फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और देखते रहें लव 24 न्यूज़।